हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे आर्किटेक्चर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 फीट बाई 45 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारा 100 गज का प्लॉट है। फ्रेंड्स, इस प्लॉट के 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टीज हैं और हमारा 20 की साइड मेन रोड रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा मेन रोड। यहाँ से हमने 8 फीट 6 इंच वाइड मेन एंट्री दी हुई है। जैसे ही आप मेन एंट्री के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ आपके लिए राइट राइट हैंड पर स्टेयर केस मिलेगा। ये हमारा स्टेयर केस रहेगा। स्टेयर केस के नीचे हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा। फिर यहाँ आपके लिए कार पार्किंग मिलेगा। इसको आप लॉबी में भी काउंट कर सकते हैं। 8 फीट 2 इंच बाई 18 फीट 4.5 इंच का। इस साइड आपके लिए ड्राइंग रूम मिलेगा 10 फिट 6 इंच बाई 10 फिट का। ये हमारा कॉर्नर सोफा रहेगा। इस वॉल पर हमारा टीवी यूनिट रहेगा। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए ये हमने यहाँ ओपन स्पेस दिया हुआ है 3 फिट बाई 5 फिट 9 इंच का। तो इससे ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन प्रॉपरली होता रहेगा। यहाँ आपके लिए किचन मिलेगा जो कि मेन गेट के सामने भी रहेगा 10 फिट 9 इंच बाई 5 फिट 9 इंच का। किचन के वेंटिलेशन के लिए ये हमने विंडो दिया हुआ है। ये ओपन किचन रहेगा हमारा और ये आर्च रहेगा किचन के लिए। फिर यहाँ हमने 4 फीट वाइड पैसेज दिया हुआ है। ये हमारा 4 फीट वाइड पैसेज रहेगा। इस पैसेज के थ्रू आप जाएंगे तो यहाँ आपके लिए ये गेट मिलेगा और ये हमारा बेडरूम रहेगा 14 फीट 2 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का। इस साइड आपके लिए बेडरूम मिलेगा। बेडरूम के लिए ये हमारा बेड रहेगा और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। इस बेडरूम से एक अटैच टॉयलेट मिलेगा आपके लिए। ये वाला टॉयलेट रहेगा 5 फिट 2 इंच बाई 7 फिट का। ये अटैच टॉयलेट रहेगा। फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये आपके लिए लास्ट बेडरूम मिलेगा 13 फिट बाई 9 फिट 6 इंच का। सेट आपके लिए बाथरूम मिल जाएगा। ये हमारा बेड रहेगा। ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। बेडरूम से अटैच आपके लिए ये टॉयलेट मिल जाएगा। इस टॉयलेट में हमारे 2 गेट रहेंगे और ये टॉयलेट हमारा दोनों बेडरूम से अटैच रहेगा। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ये पीछे हमने शाफ्ट दी हुई है 5 फिट 2 इंच बाई 2 फिट 2 इंच की। और इस शाफ्ट से बेडरूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा और इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस वाले ओपन से होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस 100 गज के प्लॉट को 3 रूम के साथ प्लान किया हुआ है जिसमें कि कार पार्किंग भी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।